तो क्या हाल है दोस्तों? दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस एशमोन बंदे की कहानी, थोड़ी सी मेरी जुबानी। दोस्तों ये जो एशमोन है, सो कॉल्ड आशु भाई, इसने जो है एक रैप सॉन्ग निकाला था। दोस्तों बता दूँ, ये एक रैपर है और क्या कहते हैं, ये डांसर भी है काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे शोज भी करता है ये। पर लेकिन इसने जो ये सॉन्ग निकाला ना, पहले मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सीधा पहले इसकी एक वीडियो क्लिप देखो इस सॉन्ग की। रफ्तार बोहेमिया और बादशाह तीनों ही है साले चुतिया पा, अन सिंह से पंगा लेने चले पर वो जाने ना वो इनके। दोस्तों यही है एशमोन जिसने ये डिस निकाला था बोहेमिया पाजी के लिए, रफ्तार और बादशाह के लिए भी। पर मेन जो मोटिव है हमारा बोहेमिया पाजी हैं। दोस्तों इसकी ये बात सीधा यहीं खत्म नहीं होती है, और ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों। मैं इसकी काफी रिस्पेक्ट करता था, पर लेकिन मेरी जो इससे बात हुई है कॉल रिकॉर्डिंग पे, उसके बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। दोस्तों आप ये कॉल रिकॉर्डिंग ही सुन लो खुद पहले। अरे क्या हाल है आशु भाई? अरे एक नंबर बाबा, क्या हाल है? अर्पित तेरे? अरे बढ़िया भाई, कैसे याद कर लिया तो? बढ़िया तू बता, बस काम धंधा ही चल रहा है, बस सॉन्ग वॉन्ग बना रहे थे। और बता। बढ़िया भाई, सॉन्ग वॉन्ग यार तुमने वो सॉन्ग तो निकाला जो हनी सिंह का फैन था वो यार अच्छा सुना तूने वो तुमने गाना? गाना तो सुना मैंने यार, तुमने यार भूमिया को चूतिया कह दिया। हाँ यार, बंदा काम ऐसे करेगा तो भाई देख बोलूंगा नहीं क्या यार? मतलब रफ्तार उस टाइम पे 3 ही सालों का ऐसा चल रहा था, अरे तो खुद सोच भाई यार, बोहेमिया सपोर्ट थोड़ी ना करता किसी इंडियन रैपर को। कितने सारे भाई, इंडियन रैपर से आज तक किसी को सही से वो शेयर तो करता नहीं है, और खाली बिली में इंडियन रैपर से उसके चट्टे जाते हैं। तो बस मैंने छू के तो बोला था, मैंने कुछ वैसा थोड़ी ना बोला। अरे भाई तो यार तुम्हें क्या लगता है बंदे गाना नहीं सुनेंगे तुम्हारे? यार सब सुनेंगे गाने, लाइन भी सुनेंगे, तुमने बोहेमिया को छूते बोला। अरे माँ की 6 सालों की, मतलब सुनेंगे तो क्या सुनेंगे यार, देख जनता है वो साली सुनेगी, अब वो अपना रिव्यू देगी। मुझे पता है नेगेटिव जनता मेरी ज्यादा बनेगी इस गाने से, या बन चुकी, मतलब जो भी सीन होगा मुझे नहीं पता। बस मेरा मेन मोटिव था भाई बंदों को बताना कि मैं एक छोटी सी, मतलब मेरा मेरा बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि अब मैं सीन बैठाने वाला हूँ। इंडिया का सबसे पहला डिस तेरे को बताइए भाई, देख मैंने फेंका बोहेमिया तेरी ब्रांड की, मेरा न्यू सॉन्ग आने वाला है और अभी वो रिसेंटली कुछ ही दिन में आ जाएगा। अभी बस वही मैं थोड़ा काम धंधे में बिजी चलता हूँ तो टाइम नहीं मिलता गाना वाना रिकॉर्ड करने का, लेकिन ये गाना आग लगा देगा भाई सुनेगा कैसा है? अरे भाई भाई मेरे बंदे देखेंगे यार। अरे माँ की चत बंद होगी यार, मैं मेरे को तो कद्दू फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को 1% टेंशन नहीं है इस चीज की कि कोई भोत लेगा मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मेरे को भाई, बस इस भाई भाई एक बात का, तू धीरे धीरे करके मेरे को गाली दे रहा है। अबे तू पागल है क्या? लोड़ी तेरे को क्यों गाली दूंगा भाई? तू सीधे चढ़ वाली बात मत कर भाई, तू चढ़ तो मेरे पे ही रहा है ना। अबे तो चढ़ गया तो क्या हो गया, मतलब तू मेरे पे चोड़ा होगा है बैंक की सब भोई में जैसे बंदे को चोड़ा। अबे मैं तीन समझ बंदे, तू टेंशन मत ले। अब नहीं तू भाई, बोहेमिया को मतलब क्या समझता है यार? तू चल तू खुद बता, तू अपना ओपिनियन बता मेरे को, तू बोहेमिया को क्या समझता है? भाई बोहेमिया बोहेमिया क्या है? लेजेंड है भाई। बोहेमिया यार मेरे को लड़ने फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा ये गाना आएगा देख तेरे को, इस गाने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये बंदे ने ऐसा क्यों करा। वजह साथ साथ थी ये कि भाई बोहेमिया से मेरी पर्सनल कोई क्लस नहीं है, एज ए आर्टिस्ट आई रिस्पेक्ट हिम बहुत ज्यादा, बोहेमिया सर बोलता हूँ भाई उनको, देख सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन उसने काम ऐसे करे सुपरवाल, देसी हिप हॉप क्या होता है देसी हिप हॉप? अब मैं डांसर हूँ, मैं टटिंग करता हूँ, मैं हिंदी गाने पे टटिंग करूंगा तो दैट मीन्स आई एम देसी टटर, तो देसी कंटेम्प्रेरी, देसी ब्रेकिंग, दिस इज नॉट द मेन थिंग ब्रो। मेन थिंग इज कि तुम आवाम में, तुम अपनी पब्लिक में क्या नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो। बोहेमिया तो चूते आई और चूते गिरी फैला रहा है। अरे भाई भाई देख तेरी मर्जी, देख भाई लंड फर्क नहीं पड़ता मेरे को, गांड मरा तू और गांड मरा तेरा बोहेमिया, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता भाई। ऐसी तुम यार क्यों बात कर रहे हो ऐसे? बात अब तू बात ही ऐसी कर रहा है तो तू बता बोहेमिया के सपोर्ट में बोल रहा है यार? भाई मैं तेरा अपना मानना, तेरे को बताना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए कि भाई तुम सही कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे को गलत बता रहा है। तो भाई कुछ मैंने गलत कोई बोल गलत रहा हूँ कदम क्या? थोड़ी, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? यार तुम मुझे गाली दे रहे हो, कल को मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी फिर डाल दे बहन की, जब मैं डरता थोड़े ना हूँ मैंने बोला भाई मैं दंड नहीं डरता भाई किसी से, तू रिकॉर्डिंग डाल दे किसी को भी सुना दे बहन की, तक बंदे ट्रोल करेंगे, तुमको लगता है कि बंदे मेरे गाने सुनेंगे तो मेरे को कुछ कर लेंगे? भाई जो कर लेंगे वो खाड़ ले, डाल दे रिकॉर्डिंग तेरी बच्चे बहन की चूत, अब तो रिकॉर्डिंग डलेगी ज्यादा हाल दे चला डाल कट। ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा था वीडियो में? तेरी माँ चोद दूंगा भोंसड़ी के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बंदे को इतना घमंड है कि इसको लगता है मैं किसी को कुछ भी बोलूंगा तो पब्लिक अंधी है, बहरी है, पब्लिक इसके गाने नहीं सुनेगी। दोस्तों मैं बता दूं कि ये बहुत ही इसने गलत सोच लिया है बहन, जो ये चूतिया है, एक नंबर का चूतिया है, जो इसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग खुद सुन ली है, और कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको ये पूरा पूरा साबित हो जाएगा कि
मेरी बातों में 1% भी आपको झूठ नहीं है। और मैं इस बात का भी आपको दावा कि आपको मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में बता ही दिया है कि ये एक और डिश लेके आ रहा है बोहिमिया पाजी के लिए, जिसका गाने का नाम ही इतना गंदा है दोस्तों, नाम ही इतना गंदा है जो कि बिल्कुल वो है। इस बंदे की थिंकिंग ही बहुत अलग है दोस्तों। इसको लगता है कि इसके गाने कोई सुनेगा ही नहीं, ये कुछ भी बोले किसी को कोई इसके गाने सुनेगा ही नहीं, कोई सुन ही नहीं सकता इसके गाने, इसको इतना अपने आप पे विश्वास है। तो दोस्तों इसकी चैनल का लिंक तो मैं दे ही रहा हूँ, आप इसको जरूर से देखो दोस्तों। लाइक कर दो वीडियो को, चाहे आप हनी सिंह के फैन हो, चाहे बोहेमिया के फैन हो, या किसी भी रैपर के फैन हो दोस्तों, आप किसी भी आर्टिस्ट के फैन हो, लाइक कर दो जरूर से इस वीडियो को दोस्तों। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इतनी गाली जो मैंने खा लिया है इस चूतिया सो कॉल्ड रैपर के मुंह से कॉल रिकॉर्डिंग पे, तो दोस्तों लाइक कर दो यार। और मैं बता दूं, अगली आने वाली वीडियो टिकटॉक के ऊपर है, टिकटॉक की उस बेटी के ऊपर है, हर उस बेटी के, हर उस 200 रुपये मिठाई वाली के ऊपर है। तो आप बस करो यार, लाइक कर दो। बाय। लंडर लगाऊंगा इनके गांड में, इनकी माँ की भोसड़ी।